नमस्कार। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृदोपसेवनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, यश, विद्या, बल चारों बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही माता पिता को एक सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। अनादि काल से ही महापुरुषों ने अपने जीवन में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान किया है। कहा भी गया है, माता पिता का सम्मान ईश्वर के समान है। अर्थात माता पिता ही हैं जो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में सदैव हमारे पास रहते हैं। चरण पूज लो मात पिता के, इनसे बड़ा न कोई देव होगा। प्यार और अनुशासन के संगम है ये, इनके आशीर्वाद से ही जीवन सफल होगा। माता पिता ही सच्चे गुरु हैं, जिनमें निहित है व्यवहारिक ज्ञान। जीने की कला सिखाते हैं, ना करना कभी इनका अपमान। आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, अपने माता पिता को किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में जो है वो अकेले ना छोड़ें, क्योंकि माता पिता जो हैं उन्होंने अपने समय में भी अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट सहे होते हैं, बहुत कष्टों भरे जीवन से उन्होंने आपको पाला होता है और आपको किसी भी चीज़ की जो है वो कमी नहीं आने दी होती, आपके जीवन में किसी चीज़ की तंगी नहीं आने दी होती है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि अपने माता पिता को किसी भी हाल में अकेला ना छोड़ें, चाहे किसी भी मुकाम पर आप पहुंच जाएं। क्योंकि कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि माता पिता को जो वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है, तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति ही एक ऐसी है जो माता पिता को और बच्चों को जो है वो आपस में बांधे रखती है। तो ये मेरा सभी के लिए संदेश है कि आप चाहे जिस भी या किसी भी बड़े से बड़े मुकाम पर भी पहुंच जाएं, अपने माता पिता का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि माता पिता ही सच्चे गुरु हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन जो है वो सफल होता है। तो कभी भी किसी भी हालात में अपने माँ बाप का या अपने माता पिता का जो है वो अपमान ना करें, क्योंकि माता पिता संयम और अनुशासन के संगम है और ये हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और माता पिता जो हैं ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 फरवरी जो है वो मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मातृ पितृ दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ओर से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को मातृ पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिमाचल।